अब भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है। बहुत पहले की बात है, भीम नाम का एक राक्षस हुआ, हमारा बड़ा बलवान था। वो भीम जो था राक्षस, वो कुंभकर्ण का बेटा हुआ। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था करकटी। करकटी के अंश से वो पैदा हुआ था, ये जो भीम नाम का राक्षस है। एक बार उसने अपने माता पिता से कहा, बोले एक तो मेरा नाम बताओ क्या है, आपने अभी तक नामकरण संस्कार नहीं किया, और ये भी बता दो कि मैं कहाँ रहूँ, मेरे रहने का स्थान कहाँ है, अपना परिचय पूछा। माँ ने कहा, बोले तेरे पिता का नाम है कुंभकर्ण, पर असल में ऐसा है कि उसको तो श्री राम ने लंका में जा करके उसको मार दिया था। मैंने तो बेटा आज तक कभी लंका देखी नहीं है, तो तेरा पिता कुंभकर्ण मुझसे विवाह उसने किया था, उसके बाद यहाँ हिमालय में छोड़ करके चला गया, मैंने तुझे पाला पोसा, वो खुद तो लंका में चला गया, कुंभकर्ण मुझे तो ले ही नहीं गया, बाद में पता चला था कि श्री राम ने कुंभकर्ण को युद्ध में मार दिया था। उसके बाद मैं तो अपने माता पिता के साथ, करकटी कहती है, यहाँ हिमालय में ही रह रही हूँ। और फिर मेरे माता पिता ने क्या किया, एक दिन के अगस्त ऋषि यहाँ तपस्या में बैठे थे, राक्षसों का स्वभाव होता है वो अगस्त ऋषि को खाने चले गए एक दिन, कि हम इसको खा जाएंगे ऋषि को। और जैसे ही पास में जाते, अगस्त ऋषि ने क्या किया, अपनी जैसे ही आंखें खोली, अपनी आंखों में ऐसा दिव्य तेज प्रकाश उन्होंने प्रकट किया, बोले मेरे वो माता पिता थे मेरे, वो तो भस्म हो गए। बस उसके बाद तेरा पिता छोड़ करके चला गया, माता पिता भस्म हो गए, अब मैं तो दुखी हूँ, अपना समय काट रही हूँ जैसे तैसे भी है। जब बेटे भीम ने माँ से ये सारी बात सुनी तो मन में बड़ा क्रोध हुआ, मैं अपने माता पिता के मरने का बदला लूंगा, अगर मैं कुंभकर्ण के से पैदा हुआ हूँ तो कुंभकर्ण को मारने वाला जो विष्णु है ना हरि, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा निश्चय किया मन में, चला गया ब्रह्मा के पास, वर देने में ब्रह्मा कभी कोई कंजूसी नहीं करते। 1000 वर्ष तक ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः ऐसा मंत्र का जाप करता रहा, बड़ी कठिन तपस्या की। जब महाराज उसके तप से सारे देवता व्याकुल हो गए, बड़ा भयानक तप कर रहा है, तप करके वर मांगेगा तो हमको स्वर्ग का राज्य छोड़ना पड़ेगा, चले गए फिर वो भी ब्रह्मा की शरण में। क्या करें महाराज, उस राक्षस को रोको तप करने से, जो कुछ मांगता है उसको दे दो, लेकिन इस स्वर्ग से तो बाहर निकालो उसको। चले गए ब्रह्मा जी भीम के पास, अरे इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो, बोलो जो चाहते हो मैं वर दूंगा। राक्षस ने बोला, मुझे तो अपार बल चाहिए, मेरे समान कोई बलशाली पराक्रमी दूसरा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। ब्रह्मा को किया प्रणाम, भीम ने चला गया वापस महाराज, और जा करके देवताओं को जीत करके अब तो ब्रह्मा और विष्णु को भी मारने चला, यही है मेरे माता पिता को मारने वाला विष्णु, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। देवताओं को परास्त कर दिया, और उधर फिर धर्म कर्म के काम बंद हो गए, सत्संग बंद हो गया, यज्ञ कोई करता नहीं है, सारी पृथ्वी के ऊपर उसने अपना राज्य कर दिया, सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। अब जब देखा कोई चारा नहीं, तो सारे ऋषि और देवता जो बचे थे भगवान शंकर की शरण में चले गए, भगवान शंकर की स्तुति की। महाराज महाकोशी जो नदी है जहाँ स्थान भगवान शंकर का, वहाँ प्रणाम किया, बार बार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले मैं तो आशुतोष हूँ, किस कारण आए हो, क्या कष्ट हो गया ऋषियों। देवताओं ने कहा महाराज कहने की क्या बात है, आप तो जानते हैं, आप तो अंतर्यामी है, आपको पता है, अब उस भीम नाम राक्षस ने, वो कुंभकर्ण का जो बेटा है, उसका किस तरह से उसको मार दो। तो भगवान शंकर ने कहा इसका एक ही मैं तुमको साधन बताता हूं, तुम काम रूपेश्वर होकर के वहां उसके पास जाओ और मेरा भजन करो, और बाद में फिर मैं उसको मारने के लिए स्वयं आ जाऊंगा। चले गए भगवान कामेश्वर स्वरूप के पास सारे देवता, और लगे स्तुति करने, जो भगवान शंकर ने कहा था आदेश उनको बता दिया। और फिर क्या हुआ, कामेश्वर जो था वो भगवान शंकर के ध्यान में मगन हो गया, मन ही मन भगवान के पार्थिव लिंग का ध्यान करने लगा, और जैसे ही तपस्या पूरी हुई, भगवान शंकर अपने गणों को लेकर के चले आए उस स्थान पर,
और उन्होंने आकर के अपनी माया फैला दी। जैसे माया फैलाई तो भीम को राक्षस को किसी ने जाकर के बता दिया, तुमको मारने के लिए भगवान शंकर माया धार का रूप धारण करके अपनी सेना को लेकर के यहाँ आ गए हूँ भाई। जैसे ही चला पता, भीम को हुआ बड़ा क्रोधित, आग बबूला हो गया, हाथ में ली तलवार, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके क्रोधित होकर के चला महाराज राजा को मारने के लिए कि जो कामरूपेश्वर है, जिसने भगवान शंकर की तपस्या की है, मेरे मारने के लिए माया का रूप धारण किया है, मैं उसको मार दूंगा। राजा से बोला, रे पापी, तूने भगवान शंकर की तपस्या की है मुझे मारने के लिए, बता, अभी तुझे मार डालूंगा। काम जो काम रूपेश्वर थे, उनका तो भगवान शंकर में दृढ़ विश्वास था। मैं तो भगवान शंकर के किसी को नहीं जानता, मन में विचार करता है, राक्षस तो सामने आ गया। राजा सोचता है, अगर इसके हाथ से मरना लिखा होगा तो मर जाऊंगा। तो कामरूपेश्वर ने कहा, देखो भाई, तुम जो मर्जी करो, लेकिन मैं तो भगवान शंकर को ही मानता हूँ। बस ना मैं किससे डरता हूँ, ना मैं किसी की चिंता करता हूँ। मेरे एकमात्र चराचर सब कुछ इस संसार के भगवान शंकर हैं। आया राक्षस को क्रोध, मैं जानता हूँ तेरे शिव को भी, वो मेरा क्या कर लेगा, वो तो भस्मा रमाने वाला है। उस शंकर को तो मेरे चाचा रावण जो है ना, उसने अपना नौकर बना कर के रखा हुआ था। रावण ने क्या कर लेगा तेरा शिव शंकर, मैं देखता हूँ। छोड़ दे शिव को, मेरा भजन कर, अगर अपना कल्याण चाहता है। कामरूपेश ने बोला, जैसा हूं मैं जैसा वर्जी, तुम जो करना कर लो, मारना मार दो, पर मैं भगवान शंकर का भजन करना नहीं छोड़ सकता। भीम ने बोला, किस शिव की तपस्या करना चाहते, जो पागलों की तरह भिक्षा मांगता रहता है जाकर के, जिसके गले में सांप लटके रहते हैं, जिसके पास पहनने को कपड़ा तक नहीं है, बागंबर ओढ़ के रखता है, क्या देगा वो तेरा शिव तुझको। अब राजा ने कहा, देखो मैं अपने स्वामी की निंदा नहीं सुन सकता, और याद रखना माताओं, आपके पति की कोई निंदा करे कभी मत सुनना। पति की निंदा, पत्नी जो अच्छे घर की बेटी होगी अपने पति की निंदा नहीं सुनेगी, और जो अपने गुरु में दृढ़ विश्वास रखने वाला शिष्य होगा वो कभी अपने गुरु की निंदा नहीं सुनेगा। और माता पिता की भी अगर कोई निंदा करे तो कभी मत सुनना, विरोध करना। आपके सामने हिंसा हो रही होगी, कोई किसी को कष्ट दे रहा होगा, कोई मर्यादा से बाहर कोई कार्य कर रहा होगा, उसको मत बर्दाश्त करना, उसका विरोध करना जितनी तुम्हारे पास शक्ति है। और अगर विरोध ना कर सको तो वहां से चले जाना, परंतु कभी बुरा होते हुए कभी नहीं सुनना, अपमान होते हुए कभी किसी का नहीं सुनना। हिंसा जहाँ हो रही हो, माता पिता गुरु पति का जहाँ अपमान हो रहा हो, वहां विरोध करो, नहीं तो स्थान को छोड़ करके चले जाओ। जैसे ही महाराज, अब उस भीम राक्षस ने राजा के ऊपर प्रहार किया, तुरंत भगवान शंकर प्रकट हो गए और अपने त्रिशूल के द्वारा उसके तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बड़ा भयंकर दोनों के बीच में हुआ है, ना एक हारता है ना दूसरा जीतता है, एक एक के अस्त्र शस्त्र को तोड़ रहा है दूसरे को। फिर भगवान शंकर ने देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज अब इसने आतंक बहुत मचा दिया है, इसका किसी प्रकार से अंत कर दो। तो सारे देवताओं ने फिर भगवान शंकर की प्रार्थना की, तुरंत भगवान शंकर ने अपनी तीसरी आंख खोली और त्रिनेत्र से खोला है, अपने उस त्रिनेत्र के प्रभाव से उस भीम राक्षस को वहीं जाकर के ढेर कर दिया। वहां उसके बाद फिर राजा कामरूपेश्वर की भक्ति के कारण एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, जो भीम राक्षस को मारने के कारण भगवान भीम शंकर कहलाए, इसलिए भीम शंकर नाम का ज्योतिर्लिंग वहां पर प्रकट हुआ है। बोले भीम शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान की।